चंपारण का नाम सिर्फ बिहार या भारत में ही नहीं बल्कि अनेकों देश में जाना जाता है, क्योंकि गांधी जी ने सत्याग्रह की शुरुआत चंपारण से ही किए थे। युवा पीढ़ी उनके द्वारा किए गए कार्यों को याद आज भी करती है। गांधी जी के 150वीं जयंती एवं अमृत महोत्सव के उपलक्ष में चंपारण के सामाजिक रूप से सक्रिय युवाओं द्वारा युवा चंपारण महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। यह एक त्रिदिवसीय कार्यक्रम है जो 5 अगस्त से लेकर 7 अगस्त तक संपन्न होगा। इस कार्यक्रम का रूपरेखा कुछ इस प्रकार है। पहला होगा मैराथन दौड़, दूसरा साइकिल रेसिंग, तीसरा क्विज कंपटीशन, चौथा चित्रकला और 5वां नृत्य एवं गायन का प्रतियोगिता रखा गया है। यह सारी प्रतियोगिताएं 5 और 6 अगस्त 2022 को होंगी और इनमें से जो भी टॉप 10 विजेता होंगे उन्हें अतिथियों के द्वारा 7 अगस्त 2022 को सम्मानित किया जाएगा। आज के कार्यक्रम में प्रेस को संबोधित करते हुए कार्यक्रम के प्रधान संरक्षक एवं ढाका के माननीय विधायक पवन जायसवाल ने कार्यक्रम की विस्तृत रूपरेखा पर प्रकाश डालते हुए बताया कि यह कार्यक्रम एक सफल कार्यक्रम होगा और आज के युवा इस कार्यक्रम को आयोजित कर रहे हैं, यह बहुत ही गर्व की बात है। जायसवाल ने यह भी बताया कि इस कार्यक्रम में बिहार के कई बड़े नेता उपस्थित होंगे। साथ ही चंपारण के लोगों का यह मानना है कि युवाओं द्वारा किया जा रहा यह प्रयास समाज को निश्चित रूप से एक सकारात्मक राह दिखाने का कार्य करेगा। प्रेस वार्ता में कार्यकारी अध्यक्ष अभिषेक सिंह, मंच प्रबंधक अंकित कुमार सिंह, प्रधान सचिव विनय कुमार, वित्त सचिव राजगुरु और स्वागताध्यक्ष सुमित रंजन सहित समिति के कई सदस्य उपस्थित रहे। मोतिहारी से प्रभाकर निराला, Live24 न्यूज। युवा चंपारण महोत्सव का आयोजन किया गया जो 5 अगस्त से लेकर 7 अगस्त तक इसका आयोजन किया गया, जिसमें मैराथन दौड़, साइकिल रेसिंग, क्विज कंपटीशन और चित्रकला आदि का प्रतिभागी इसमें भाग लेंगे। अंतिम दिन 7 तारीख को उन लोगों को सम्मानित किया जाएगा। सबसे पहले इन नौजवानों को धन्यवाद देंगे जिन्होंने, जिनके मन में ये बात आई और जिन्होंने ऐसा कार्य योजना बनाया। हम तो इसके संरक्षक हैं तो हम तो अच्छे काम को बढ़ावा देने वाले लोग हैं, तो हमारे नॉलेज में जब कोई नौजवान कोई बात लेके आएगा तो हम जनप्रतिनिधि हैं, मेरी भूमिका ही होनी चाहिए कि इनका मनोबल हम बढ़ाएँ। इसलिए इन लोगों को धन्यवाद है कि इन्होंने आयोजन किया है और हम समझते हैं कि इस प्रकार के कार्य के लिए जो समय है कि गांधी जी की 150वीं जयंती है, अमृत महोत्सव का समय है, एक अच्छे समय में इस प्रकार का आयोजन हो रहा है। हम समझते हैं कि इन नौजवानों का मनोबल बढ़ाने से राष्ट्र के प्रति, देश के प्रति, गांव समाज के प्रति लोगों में रुझान पैदा होगा और अच्छे जो प्रतिभा हैं गांव में दबे हुए हैं उसको बाहर आने का मौका मिलेगा। इस प्रोग्राम में कौन कौन से लोग इसमें शिरकत कर रहे हैं? निमंत्रण तो आम लोगों को निमंत्रण है, सभी नेताओं को निमंत्रण दिया जाता है, ये लोग दिए होंगे। कार्यक्रम में कौन आएंगे नहीं आएंगे ये कार्यक्रम की महत्ता नहीं होती। हम विधायक हैं, बहुत जगह हमको बुलाया जाता है, हम जाते हैं नहीं जाते हैं ये कार्यक्रम का महत्व इससे नहीं बढ़ेगा। कार्यक्रम की महत्ता क्या है और कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है ये महत्वपूर्ण है। इन लोगों के द्वारा जो सामाजिक गतिविधि किया जा रहा है इससे हमसे और किसी बड़े लोगों से कोई मतलब नहीं है। इनका आयोजन अच्छा है इसलिए इसमें जो लोग भी पार्टिसिपेट करेंगे हम ये मान के चलेंगे कि वो नौजवानों के मनोबल को बढ़ावा दे रहे हैं और इन नौजवानों को फिर से धन्यवाद देते हैं। और आपके माध्यम से हम चाहेंगे जो प्रतिभागी मैराथन दौड़ में, साइकिल रेसिंग, क्विज कंपटीशन और चित्रकला में भाग लेना चाहते हैं इन लोग से संपर्क स्थापित करें और इस चीज़ को आगे बढ़ाएं।